बीमारी जितना परेशान अपने रहते करती है उतना ही अपने जाने के बाद भी। मसलन इसके कई सारे पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, जो कोविड नेगेटिव हो जाने के बाद भी सताते रहते हैं। हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि कोविड 19 की वजह से पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। इससे आगे चलकर पुरुषों को पिता बनने में परेशानी हो सकती है। चलिए जानते हैं क्या कहती है ये रिसर्च। बेल्जियम के फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी में 120 पुरुषों के सैंपल लिए गए थे, जिनकी औसत उम्र 35 वर्ष थी। इस स्टडी में पाया गया कि कोरोना संक्रमित पुरुषों का स्पर्म काउंट यानी सीमन में स्पर्म की संख्या घटी है। हेल्दी स्पर्म काउंट तब माना जाता है जब 1 ml सीमन में 1.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक स्पर्म होते हैं। साथ ही रिसर्च में पाया गया कि कोविड में स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म की फीमेल एग तक पहुंचने की स्पीड भी कम हो जाती है। जिन पुरुषों को कोविड 19 से संक्रमित हुए 1 महीने से कम समय हुआ था, उनका स्पर्म काउंट 37% और स्पर्म मोटिलिटी 60% तक घट गई। वहीं जिन पुरुषों को ठीक हुए 1 से 2 महीने के बीच का समय हुआ था, उनके स्पर्म काउंट में 29% और स्पर्म मोटिलिटी रेट में 37% की कमी देखी गई। ठीक होने के 2 महीने बाद स्पर्म काउंट में 6% और स्पर्म मोटिलिटी में 28% की कमी देखी गई। रिसर्च में ये भी साफ हो गया कि कोरोना यौन संबंध के जरिए नहीं फैलता, क्योंकि कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति के सीमेन में वायरस का RNA नहीं पाया गया। जिन पुरुषों में कोविड 19 एंटीबॉडीज की मात्रा ज्यादा थी, उनके स्पर्म उतने ही कम काम कर रहे थे। फिलहाल ये वायरस पुरुषों की प्रजनन क्षमता पर लंबे समय तक असर डालता है या नहीं, इस पर टीम और रिसर्च करेगी। कोविड संक्रमण एक ऐसी बीमारी है जो लगभग शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है, इसलिए जरूरी है कि जितना संभव हो सके खुद को कोरोना संक्रमण से बचाएं और वैक्सीनेशन जरूर करें।